हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। आज हमारे पास जो गाड़ी आई है ये आई है टाटा मार्को पोलो बस। ये आप देख सकते हो गाड़ी में ये फॉल्ट कोड आ रहा है इसमें, और गाड़ी जो है चलते चलते बंद हो गई थी और गाड़ी स्टार्ट जो है वो अभी नहीं हो रही है। मैं आपको फॉल्ट कोड भी दिखाता हूँ क्लियर करके। ये आप देख सकते हो इसमें आ रहा है इश्यू रिपोर्ट्स एरर फॉर पॉजिटिव सप्लाई सेंसर 2 और रेल प्रेशर सेंसर वोल्टेज लोअर लिमिट। ये 2 कोड जो है इसमें कन्फर्म में आ रहे हैं। और अगर हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हो गाड़ी जो है वो हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। अब दोबारा हम इस पर चेक करते हैं कि इसमें फॉल्ट कोड क्या बन रहा है। और गाड़ी में एक और प्रॉब्लम भी हो रही है कि गाड़ी में जो है इंजेक्टर जो है वो ऑटोमेटिक फायर हो रहे बंद होने के बाद। मैं आपको आवाज़ भी सुना देता हूँ कि टक टक की आवाज़ आने लग रही है गाड़ी में से। ये आप सुन सकते हो गाड़ी में जो है टक टक की आवाज़ आ रही है, जैसे कि इंजेक्टर जो है ऑटोमेटिक फायर हो रहे। तो जैसा कि हमने देखा कि गाड़ी में जो है रेल प्रेशर सेंसर से रिलेटेड फॉल्ट कोड आ रहा था, तो हमने कपलर जो उसका निकाल दिया। और दोबारा मैं आपको फॉल्ट कोड चेक कराता हूँ। तो ये आप देख सकते हो अभी इसमें फॉल्ट कोड जो आ रहा है ये आ रहा है रेल प्रेशर सेंसर अबव अपर लिमिट, जो कि पहले लोअर लिमिट का कोड आ रहा था। और मैं अगर ऑल DTC पर जाता हूँ, ये कोड जो पहले करंट DTC पर आ रहा था सप्लाई 2 वाला सेंसर सप्लाई 2, तो ये अब देखो अब मेमोराइज्ड पे चला गया है। और साथ ही जो इसमें एक नया कोड जनरेट हो गया है क्रैंक सेंसर से रिलेटेड, यानी कि क्रैंक सेंसर का सिग्नल जो है वो भी नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि आप फॉल्ट कोड पे देख सकते हो। तो हम फॉल्ट कोड एक बार क्लियर करते हैं और फिर इसका जो रेल प्रेशर सेंसर है और क्रैंक सेंसर दोनों को चेक करते हैं और उसके बाद आपको गाड़ी पे दिखाते हैं। और ये टक टक की आवाज़ तो गाड़ी में से आ ही रही है, तो हम फॉल्ट कोड एक बार क्लियर करते हैं और दोनों ही सेंसर्स को देखते हैं खोल के। तो एक बार हम फॉल्ट कोड को क्लियर कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हो फॉल्ट कोड जो है ये हमने क्लियर कर लिया है, और अब इसमें सिर्फ फॉल्ट कोड आ रहा है हमारा रेल प्रेशर सेंसर अबव अपर लिमिट। तो हमारा क्रैंक सेंसर का फॉल्ट कोड गाड़ी हम जैसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तभी आ रहा है। तो हमने इसका क्रैंक सेंसर चेक किया, मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्रैंक सेंसर जो है, ये आप देखो इसका क्रैंक सेंसर ख़राब हो गया। तो इसको हम चेंज करते हैं, और साथ ही इसमें रेल प्रेशर सेंसर का भी फॉल्ट कोड आ रहा है तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। और फिर आपको गाड़ी पे दिखाते हैं स्टार्ट करके कि गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही या फिर नहीं हो रही। तो हमारा रेल प्रेशर सेंसर चेंज हो गया। अब फॉल्ट कोड हम एक बार दोबारा क्लियर करते हैं, ऑल DTC पे जाते हैं सबसे पहले, तो हम उसके बाद आपको फॉल्ट कोड दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हो फॉल्ट कोड जो पहले आ रहा था रेल प्रेशर सेंसर से रिलेटेड वो अब मेमोराइज्ड पे चला गया है। तो हम फॉल्ट कोड इसका क्लियर कर लेते हैं। अभी इसमें जो है ऑयल प्रेशर स्विच ये सब का फॉल्ट कोड आ रहा, तो उससे स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्टार्ट हमारी गाड़ी हो जानी चाहिए। तो ये आप देख सकते हो अभी इसमें ये फॉल्ट कोड आ रहा है। तो हम लाइव डाटा ओपन कर लेते हैं और इसमें देखते हैं, हम रेल प्रेशर सेलेक्ट कर लिया हमने, अब गाड़ी को हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देख सकते हो गाड़ी जो है वो हमारी स्टार्ट हो गई है। ये आप देखो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, बट गाड़ी में अभी भी एक प्रॉब्लम इसमें आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। गाड़ी स्टार्टिंग भी थोड़ा लंबा ले रही है, इसमें हम फॉल्ट कोड चेक करते हैं क्या फॉल्ट कोड आ रहा है इसमें, मैं आपको चेक कराता हूँ। गाड़ी स्टार्ट तो हो गई है बट इसमें अभी भी क्रैंक सेंसर से रिलेटेड फॉल्ट कोड आ रहा है, यानी कि क्रैंक सेंसर का सिग्नल जो है वो सही से नहीं मिल पा रहा। और गाड़ी जो है वो स्टार्टिंग भी लंबा ले रही है, और गाड़ी को हमने चलाकर भी देखा कि गाड़ी में पिकअप जो है वो सही नहीं है। ये आप देख सकते हो क्रैंक सेंसर वाला फॉल्ट कोड जो है ये जा नहीं रहा। तो जब हमने इसके क्रैंक सेंसर को चेक किया तो वो तो हमें टूटा हुआ मिला, उसको हमने चेंज कर दिया, बट प्रॉब्लम जो है ये आप दिखाता हूँ मैं आपको क्या मिली हमें। इसके वायरिंग में प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो है इसका वायरिंग शॉर्ट हो गया है, यानी कि 2-3 तार जो है आपस में सट गए, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही थी, क्रैंक सेंसर का फॉल्ट कोड आ रहा था। कई बार कपलर से भी प्रॉब्लम होता है, तो ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रैंक सेंसर वाला जो फॉल्ट कोड है ये मेमोराइज्ड में चला गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखो ऑल DTC में हमने चेक किया, ये मेमोराइज्ड में चला गया, और गाड़ी भी जो है वो अब हमारी बिल्कुल प्रॉपर ओके हो गई है। गाड़ी को हमने चला के भी देखा कि गाड़ी जो है वो अब बिल्कुल ओके हो गई है। अब जो इसमें फॉल्ट कोड आ रहा है ये ऑयल प्रेशर स्विच और डीजल फिल्टर से रिलेटेड आ रहा है, तो इसको भी हमने बाद में सही कर दिया। मेन जो प्रॉब्लम थी वो इसके क्रैंक सेंसर और रेल प्रेशर सेंसर में थी, तो जिसको हमने सही कर दिया। अब गाड़ी की स्टार्टिंग भी सही हो गई है और गाड़ी चलने में भी सही हो गई है, ये आप देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।